अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बनाने लगे हैं फ़िश ऑमलेट। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये हमने 3 अंडे ले लिए हैं, ये 2 छोटी प्याज हैं उनको चॉप किया हुआ है, ये 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं काटी हुई, ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, ये 1 छोटा आलू है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, बहुत बारीक किया है, और इसको फिर हमने 2-3 पानी अच्छे से धो लिया है। ये 3 से 4 चम्मच खाने के चम्मच जो है बेसन है, ये हम आपको बताएंगे। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बोल ले लिया है, उसमें हमने ये जो हमने प्याज काटी थी ये डाली है, साथ ही आलू डाल देंगे, कद्दूकस थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे, नमक जाएगा 1/2 टीस्पून इसमें, 1 टीस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें अंडे डाल लेंगे, 3 अंडे हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, 1/2 टीस्पून हम मिर्चें और डालेंगे लाल कुटी, 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एक पैन ले लिया है हमने, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। पैन में हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया है, हल्की आंच पे हमने पैन को रखा हुआ है। अब हम इसमें ये ऑमलेट डाल देंगे, ये जो मिक्सचर है इसको पैन में फैला लेना है इस तरह से। ये स्लो फ्लेम पे पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये नीचे वाली साइड ऑमलेट की पक गई है, अब हम इसको रोल करेंगे। ये देखें किस तरह से करना है, हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये आपस में जुड़ जाए। ऐसे ही इसको फुल रोल कर लेंगे हम, ये देखें नीचे वाली साइड बहुत अच्छे से पक भी गई है। अब हम इसके पीसेस काट लेंगे, ये देखें, ताकि ये अंदर ही से भी पक जाए। ये पक गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी का भी फिश ऑमलेट बना लेंगे। ऑमलेट हमारा बन गया है। अब हमने एक बोल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे ये बेसन, आधी प्याली है, थोड़ा सा ही है बेसन, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बेसन को मिक्स कर लेंगे। बेसन को हमने मिक्स कर लिया है, इस तरह का मिक्स करना है, ये देख लें, ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा रहने देना है इसको। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने एक पैन में ऑयल डाल के रख दिया है गर्म होने के लिए। बेसन हमारा मिक्स हो गया है, अब हम ऑमलेट के स्लाइस को इसमें डिप करेंगे, बेसन लगाएंगे उसके ऊपर अच्छे से और इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह बाकी भी ऑमलेट के स्लाइसिस को फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो रहे हैं, अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ऑमलेट की दोनों साइडें पक गई हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। फिश ऑमलेट हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत अच्छी आई है, ये बिल्कुल फिश की तरह लग रहा है। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें, ये बहुत ही मज़े का है ऑमलेट, फिश ऑमलेट। अब मिलेंगे एक न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।